आ गई थी तुषा। पापा, मैं कॉफी शॉप में थी, अचानक से मुझे एक मैसेज आया। इन मोमेंट पे कबीर अंकल आ गए, ही सेव्ड मी। थैंक्स कबीर। त्रिशा, ऐसे बिना बताए तू कैसे चली गई? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे मामा का क्या होता, कभी सोचा? I'm sorry मामा, वजह से आप इतना परेशान हुए, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। पर मुझे ये जानना था वो आदमी कौन है, पर मैं आपको ये सब नहीं बता पाई। आफ्टर ऑल ये आपकी जिंदगी का सवाल था। मेरी जान की कीमत तुझसे कीमती नहीं है बेटा, और तूने कभी ये सोचा कि तुझे कुछ हो जाता तो तेरी मम्मा का क्या होता? आपको कुछ हो जाता, इस मैसेज की बात सच हो जाती, क्या मैं जी पाती? किंतु शायद तुझे ये मैसेज भेजा किसने? I don't know पापा, पर मुझे पूरा यकीन है कि कबीर अंकल उस आदमी का पता लगा लेंगे, उसे छोड़ेंगे भी। चलता हूं, प्लीज ख्याल रखिएगा इसका। थैंक यू कबीर। तुषा, तुझे पता है आदित्य आंटी और मैं तेरे गायब होने से बहुत परेशान हो गए थे। I'm sorry. मेगन ने जिस तरह से बात की उससे ये क्लियर है कि कुशान नहीं पकड़ा गया, वरना उसे पता होता। कुशान अगर कबीर के हाथ नहीं आया तो फिर वो ये कहा? मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा? थैंक यू भगवान, मेरे त्रिशु को सही सलामत मुझ तक पहुंचाने के लिए। आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर यूं ही बनाए रखिए भगवान। कहीं बहुत डर गई थी। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे आपसे वो बात शेयर करनी चाहिए थी, बट वो बेटा मैं जानती हूँ आज तूने जो कुछ भी किया मेरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन भगवान ना करे ऐसा कभी भी फिर से हो तो यू हैव टू प्रॉमिस मी
तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी, मुझे प्रॉमिस कर बेटा, प्लीज। मामा, तो प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगी नहीं। ये प्रॉमिस आपको भी मुझसे करना होगा कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाएंगी, और आप अपनी हर तकलीफ मुझसे शेयर करेंगी। प्रॉमिस मी मामा। भगवान मुझे माफ करना, त्रिशा से मैंने झूठा प्रॉमिस किया, लेकिन उसकी खुशी के लिए नेहा और प्रतीक की बात उससे छुपानी पड़ेगी। हे, क्या कर रही हो यार? मैं अपनी दवाइयां टाइम पर ले रहा हूँ, क्या खाना भी नहीं दिख रहा। लिसन, कोई जरूरी नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारी डॉक्टर या कुक बन के आऊं, ऐसे नहीं आ सकती क्या? मैंने सोचा कि त्रिशा के केस में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। कॉफी के लिए चले? अब वक्त नहीं, बहुत कुछ सामने आ रहा, काम। कॉफी पीने का तो वक्त नहीं, त्रिशा पर एक और हमला होगा। व्हाट? अभी वहीं से आ रहा हूं, किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गया। किसी ने उसे बहला कर मड आइलैंड बुलाया था। Are you serious? और वो चली गई? Is she mad? उसकी माँ की जिंदगी का डर दिखाकर, इसीलिए वो किसी को बिना बताए चुपचाप वहां से चली गई। Then I can understand. लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस केस को जितना सुलझाने की कोशिश करता हूँ ये केस उतना ही उलझता जा रहा है। त्रिशा पर एक है, दो लोगों ने हमला किया। क्या? अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि दोनों में से एक कुशान, जी दूसरा कौन है? यू नो कबीर, मैं तुम्हारी तरह कॉप तो नहीं, बट एज ए डॉक्टर ऐसे केसेस देखे हैं मैंने, जहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट भी इंसान के जहन में गहरी चोट पहुँचा देता है, और उस पेन से निकलने के लिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़ा क्राइम भी। जैसे सोलंकी, प्रतीक सवाई खाने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जेल में फिकवा दिया मुझे, रातों रात मौका मिल गया उस इंसान को। you know what? शायद तुम सही कह रही हो। चलो, बिना कॉफी के तुमने मुझे एक क्लू दे दिया। दिमाग तो है तुम्हें, लगता नहीं है। ओए, दिमाग तो तुम्हारा पुलिस ऑफिसर की तरह ही चलता है, गलत प्रोफेशन में हो। हाँ, वेरी फनी। कौन क्रिमिनल्स के आगे पीछे दौड़ता रहेगा हमेशा? आई कांट इमेजिन। बोलो क्या? ठीक है, मैं अभी आया, रुको। क्या हुआ? अभी बता दो। अभी से त्रिशा को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना अकेला, वरना दोबारा से चली जाएगी। सच्ची में त्रिशा, वैसे भी आजकल तो शॉक देने में एक्सपर्ट हो गई है। अच्छा हो तू आ गई, वरना जो मैंने तेरे लिए पार्टी प्लान करी वो वेस्ट हो जाती। तो तुझे पार्टी की पड़ी है, मेरी नहीं। मत मार उसे। हीरो ली कैस फॉर यू। विचार कितना वर्थ था तेरे लिए पता है? जितने घंटे तू गायब थी ना, उसने फ्रेंड्स बुक सर पे उठा लिया था।
किस किस को मैसेज नहीं किया इसने। ये तो मेरा सबसे क्यूट भाई है। हाय ना, बहुत केयर करता है ये मेरी। सो आर यू? आई लव यू। आई लव यू टू माय सिस्टर। गाइस, मेरा और मेकिंग का क्या? ऑफ कोर्स गाइस, आई डू। कम। चेयर्स। अब लाओगे क्या? वैसे भी मैं रोता हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एनीवेज गाइस, मैं लेट हो रहा हूँ, मेकन चले? बॉबी तुम जाओ। मैं एक्चुअली त्रिशा के साथ रुकूंगी। शी इज नॉट वेल ना, तो अकेला फील कर रही होगी। एक सेकंड रुक ना, कुछ बात ही नहीं है ना। बॉबी, अरे इधर बॉबी। अरे कम 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 कम, एक सेकंड ना, कम। ओके, नाउ टेल मी, और आई एम नॉट अ किड, तो मुझे बहलाने की कोशिश मत करना। वो क्या आजकल तेरा त्रिशा के पास रुकने का कुछ ज्यादा ही मन करता है? हम अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, यू नो ना। तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है क्यों लाइक आदित्य। भाई सुन लेगा, और मैंने अभी तक उसे नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। पर एक बात बता, तुझे सब कुछ कैसे पता चल जाता है? भाई उधर तेरे चेहरे पे फीलिंग्स रीड कर सकता हूँ। यू नो व्हाट भाई, यू आर द बेस्ट भाई इन द होल वर्ल्ड। लव यू। तो फिर कब बता रही हो? अभी ये सही वक्त नहीं है कुछ बताने का। एनीवेज ऑल द बेस्ट, है ना? गुड चॉइस। ओए कौन सी सीक्रेट है ये? नो सीक्रेट चलाओ ना, सब बताना पड़ेगा। अरे कुछ भी नहीं, हम कॉलेज का डिस्कशन कर रहे थे बस। अरे बता दो। वो एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मैं निकलता हूँ। मेघन तुम त्रिशा के पास रुको, ओके? बाय गाइस। रुक मैं भी। ओके लेट्स गो, कम। बाय, एंजॉय। ओके ठीक है ठीक है, तुम इतना करो फिर। दिमाग खराब हो गया सब लोगों का, खुशी से तो पागल ही हुए जा रहे हैं। तुम इतना करो फिर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्या हुआ गौरव, तुम्हें सच में लगता है ये खुश होने वाली बात है? अरे खुशी की तो बात है, त्रिशा सही सलामत घर लौट आई, हमें और क्या चाहिए? आई मीन या इट्स गुड कि वो सही सलामत लौट आई, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोच रहा है कि उसने कितनी लापरवाही से बिहेव किया है? ऐसे कहीं भी किसी भी अनजान मैसेज पे चली गई। You know, अगर मैं उसकी मॉम होती ना, तो उसकी इस हरकत के लिए से एक कड़क थप्पड़ मारती। अरे? लेकिन यहाँ नहीं, she's a spoiled girl. यहाँ फालतू में सब लोगों ने उसे सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। सोनाली, ये क्या तरीका हुआ त्रिशा के बारे में बात करने का? क्या तुम जानती नहीं उसकी हालत क्या है? इतना सब कुछ हो चुका है उसके साथ और अभी भी हो रहा है। एक 18 साल की लड़की कितनी मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस हो सकती है इसके कारण, क्या तुम्हें अंदाजा भी है? त्रिशा ने जो कुछ किया वो इस वजह से क्योंकि उसे लगा उसकी मॉम की जान को खतरा है। मैं मानती हूँ कि ये खतरा उसे नहीं उठाना चाहिए था, पर ये कहना कि वो बिगड़ी हुई है, इट्स रिडिकुलस। इस फैमिली का हिस्सा होकर तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो सोनाली? देखिए दी, मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ, और अगर वो इस तरह लापरवाही बरतेगी तो नुकसान भी सिर्फ उसी का होगा। ऐसे में पेरेंट्स ही तो हैं जो बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है सोनाली, बात करते हैं कि तुम लोग कैसे पेरेंट। ऐसे एक बात तो सही कही आज तुमने, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए ना। तो बताओ सोनाली, तुम्हारा अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है? जब तुम्हारा बेटा इस घर में ड्रग्स लेके आता था, तू क्या कर रही थी सोनाली?
दूसरों को सवाल करने से पहले अपने बारे में सोच लिया करो। बहुत घमंड है ना आपको अपने और त्रिशा के रिश्ते पर। अब देखिएगा किस तरह मैं आपका घमंड तोड़ती हूँ और अपना जवाब सुनाती हूँ। डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं दिखाई देता तुम्हें? पकड़ लिया। क्या बात है नेहा जी, आपका इतना अच्छा घर है वो छोड़कर आप यहां इस होटल रूम में रह रही हैं। हम पुलिस वालों का एक फेवरेट डायलॉग होता है, मुजरिम कितना भी चालाक पकड़ा जाता है आज नहीं तो कल। मैंने आपको हमेशा बहुत इंटेलिजेंट समझा था, आपने अपना सेलफोन स्विच ऑफ कर दिया, वेरी इंटेलिजेंट, ताकि आप ट्रेस ना हो। लेकिन आपने ये होटल बिल पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया। बेसिक मिस्टेक आप कैसे कर सकती हैं? नॉट एक्सपेक्ट। इन्होंने एक और मिस्टेक भी की। आपने जब प्रतीक स्वायका के सेफ में त्रिशा के वो फोटोग्राफ्स एविडेंस के तौर पे प्लांट किए थे, आपने ग्लव्स नहीं पहने थे? नहीं पहने थे। तो क्या उन फोटोग्राफ्स पर थे फिंगरप्रिंट्स के एक्सेप्ट मिल गए? और अनफॉर्चुनेटली वो फिंगरप्रिंट आपके सुनहरे हाथों के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। आई होप ये इतनी होशियार ना निकले कि समझ पाए कि ऐसे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं हमें, और ये सिर्फ इसे तोड़ने की एक कोशिश है हमारी। कभी प्रतीक के खिलाफ वो एविडेंसेस प्लान करने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। त्रिशा के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। I swear, please believe me, please। ये इस वक्त हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, कौन डिसाइड कर? लेकिन नेहा जी का शुभ चिंतक होने के नाते मेरी आपसे एक एडवाइस जरूर रहेगी। आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेस बन जाएं। इसे क्या होगा, कोर्ट आपको कम से कम सजा देगा। मुझे फनिया या तुम भी अपने कॉलेज के कुछ किस्से सुनाओ ना। मुझे लगता है तुम अपने कॉलेज के स्टार्टर आए होंगे, राइट? सारी लड़कियां मरती होंगी तुम पर। आई थिंक मेघन, हमें यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए। त्रिशा गहरी नींद में सो रही है, उठ जाएगी ना। या बाहर चल के बात करें। मेघन, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे भी चलना चाहिए, हॉस्पिटल में अर्ली मॉर्निंग विजिट है कल, सो आई विल मेक अ मूव। ओके आदित्य, तो तेरा और नहीं रुक सकते, we can go for a walk. I'm so sorry, Megan. Okay. पर मुझे अच्छा लगता अगर तुम मेरे कहने पर थोड़ी देर और रुक जाते।
आई नो, बट तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, राइट? ठीक है, मैं चलता हूँ. यू टेक केयर. तुमसे बहुत नाराज हूं. क्यों डैड? तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहमियत तो इस पंचिंग बैग की है, जिसके सामने कम से कम तुम अपनी भड़ास तो निकाल रहे हो. बेटा, इस तरह अंदर ही अंदर घुट के अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने से बेटर है कि तुम मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है. कम ऑन, यू कैन टेल मी बेटा, आई एम अ डैड. सॉरी पापा, आई एम सॉरी. मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिसके वजह से आप मुझ पे गर्व कर सके. मेरी वजह से आप और मम्मी को कितना कुछ सुनना पड़ता है. मैं आपके लिए एम्बैरेसमेंट से ज्यादा कुछ नहीं. सच अ लूजर. नो, डोंट से दैट. आई हेट दैट वर्ड. जिस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, वो गलत नहीं हो सकता. और गलतियां किससे होती हैं भगवान? क्या मुझसे नहीं हुई? मॉम से नहीं होती? गलतियां सबसे होती हैं. लेकिन अगर हम रियलाइज करते हैं अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, यू नो, गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में जाने का. कभी मत कहना कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हम तुम्हारे लिए प्राउड फील कर रहे हैं. इतने अच्छे क्यों हैं? आई लव यू. क्या बात है, मुझे नहीं पता था भाई कि आपको जवाब देने का मौका इतना इंस्टेंटली मिल जाएगा मुझे. त्रिशा, बेटा तुम्हें कुछ आइडिया है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं आंटी, मुझे नहीं पता पापा कहाँ हैं. गए होंगे कहीं किसी काम से. बट आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इज एवरीथिंग ओके? जस्ट होप कि वो वहां उसके पास ना चले गए हो. आंटी, किसके पास? कुछ नहीं, वो सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया. नहीं आंटी, प्लीज मुझे बताइए आप किस बारे में बात कर रही हैं. नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है. तुम आराम करो और प्लीज ज्यादा मत सोचना. ओके? नो आंटी, प्लीज आप मुझे बताइए क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो. बेटा, वो ऐसी कोई बात नहीं है, सच में. आंटी, आपको मेरी कसम है, बताइए मुझे क्या बात है. आंटी बोलो. त्रिशा, मैं ये बात तुम्हें हरगिज नहीं बता सकती, लेकिन तुमने कसम दे दी है तो क्या बताऊं तुम्हें. तुम्हारे पापा का अफेयर चल रहा है. What? अफेयर चल रहा है? और वो भी उनकी सेक्रेटरी नेहा के साथ. इन सब में मैं पहले से इन्वॉल्व नहीं थी, बट जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया और वो आदमी है, कुशान. इस सब में मेरा रोल सिर्फ कुशान के कहने पर प्रतीक को फंसाना था. उसी के कहने पर मैंने वो डेबिट कार्ड और
त्रिशा की फोटोज की पेन ड्राइव प्लांट कर दी थी। और इतने छोटे काम के लिए उसने मुझे 20 लाख रुपए ऑफर कर दिए, तो मैं मना ही नहीं कर पाई। मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया, और प्रतीक और मेरा रिश्ता भी सिर्फ पैसा और पार की वजह से था, प्यार नहीं। जानता हूं, एक आसान सा सवाल, त्रिशा पर जो हमला हुआ था उसके बारे में क्या जानते? आई डोंट नो। उस दिन आई मेट कुशान, उसने बुलाया था पैसे देने के लिए, और उसके बाद उसने कहा कि इसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और कुछ, कोई और इस केस में इन्वॉल्व रहा हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली? आई स्वेयर, मैं सिर्फ कुशान के साथ ही डीलिंग कर रही थी और मुझे कुछ भी नहीं पता। अरेस्ट वारंट इशू कीजिए कुशान परिवार के। सर, जब तुम किडनैप हुई थी तो दी को इसके बारे में पता चल गया था। बहुत दुख की बात है त्रिशा, भाई और दी, तुमका रिलेशनशिप तो ऑलमोस्ट टूट चुका है। अब वो सिर्फ तुम्हारे और सानिया के लिए ऐसे खुशी खुशी रहने का नाटक कर रही है। I really feel very sad for thee. सोचो, कोई इंसान तुम्हें जो धोखा दे रहा हो, उसी के साथ तुम्हें खुशी खुशी रहने का नाटक करना पड़े। How sad is that? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अब समझदार हो गई हो, तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो, और इस सिचुएशन को डील करना तुम जानती हो। बस एक बात का खास ध्यान रखना कि किसी को इस बारे में ना पता चले कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। तुम जानती हो ना कि इस घर में सब लोगों के बीच में कितना स्ट्रेस चल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि वो बढ़े। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, टेक केयर। नाउ ऑल द बेस्ट भाई। Is a closed chapter. वो हमारी जिंदगी में नहीं है। त्रिशा? त्रिशा, क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? नहीं मॉम, कुछ भी ठीक नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोला ना पापा। मैं आपसे बार बार पूछती रही कि आपके और नेहा के बीच कोई रिलेशन है तो नहीं, और आप से बार बार यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। जानते हुए सब झूठ है। You lied to me? आपने मुझसे झूठ बोला? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मम्मा मेरे पीछे से मेरे रूम में क्यों सो रही थी? और आज आप यहाँ बेड पे, वहां काउच पे, सब क्या है पापा? ये ना, त्रिशा, त्रिशा, हाँ माँ, मैंने आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया। आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी, मुझसे अपनी सारी तकलीफ शेयर करेंगी। फिर मम्मा,
आपने भी पापा का साथ दिया। आपने भी मुझसे झूठ बोला। बस स्टार्ट। अब एक और झूठ ले। I want to call you my dad. डिजर्व ही नहीं करते। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। और अब आपका कोई भी झूठ उसे ठीक नहीं कर सकता। Just understand one thing. हद से फादर और डॉटर का ये रिश्ता खत्म हो चुका है। I hate you, Dad. I just hate you. त्रिशा, बेटा, त्रिशा, please. त्रिशा। You go have fun. सब ठीक है जॉर्ज। ओके मॉम, बाय। बाय। खुशान, कब से तुम्हारी वेट कर रही हूँ? कहाँ थे तुम? क्या हुआ? डैड कुछ परेशान से लग रहे थे। हाय यार, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। बुरा मत मानना यार, प्लीज। हाँ, नेक्स्ट टाइम पक्का। ठीक है, सॉरी यार, यू एंजॉय, बाय। खुशान प्लीज बताओ क्या हुआ? खुशान तुम्हारी चुप्पी मुझे बहुत परेशान करती है। बताओ क्या हुआ? एक तो पूरा प्लान फेल हो गया, तुम चुप हो, कुछ बता नहीं रहे हो। मैं इतनी मुश्किल से वहां से निकला हूं और तुम्हें प्लान क्यों लगे? खुशान कम ऑन, मुझे मालूम था कि कबीर तुम्हारे पीछे है। मुझे अमृता ने वहां बताया था, बट तुम जानती थी कबीर वहां आने वाला है? I get it. अगर तुम मुझे नए नंबर पर कॉल करती या मैसेज करती और मैं पकड़ा जाता तुम तो फंस जाती। खुशान you're such a monster. It doesn't matter. क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश जल्दी पूरी होने वाली। क्या बोल रहे हो खुशान? I'm finished. अब मैं नहीं बचूंगा। अब मैं नहीं बचूंगा। That's it. Move. देखो प्लीज मेरी हेल्प करो। कबीर मेरे पीछे आ जाएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। आपने त्रिशा को किडनैप, आपने उसे मारने की कोशिश, मेरे पापा ने त्रिशा को, जो जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था,
आपने किसी का खून करने की कोशिश की और वो भी त्रिशा। आई कांट बिलीव आप क्रिमिनल है डैड। एंड यू मॉम, आपने भी इस समय डैड का साथ दिया। पापी, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आप दोनों का बेटा हूं। बॉबी प्लीज, आप क्या कहती थी त्रिशा आपकी बेटी जैसी है, फिर ये सब क्यों, कैसे? जब मेगन को पता चलेगा सारी बात, आपकी बेटी को जो आप पहचान छिड़कती है, और अमृता आंटी क्या फील करेगी, कैसे मुंह दिखाएंगे किसी को? मेरी नो, 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 डोंट टच मी, डोंट यू डेयर टच मी। आप मेरी मां नहीं, आप एक क्रिमिनल है। यस, आप दोनों क्रिमिनल हैं, और आप दोनों को आपके काम की सजा मिलेगी। मैं अभी जाऊंगा और अभी पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। कुशाल, डैड, कुशाल प्लीज, डैड नो, डैड नो, डैड नो, डैड नो, डैड नो, प्लीज, डैड नो, प्लीज, डैड नो, 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 कुशाल छोड़ो, डांट दीजिएगा कुशाल। बॉबी बेटा उठो, बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बॉबी, बॉबी देखो कुशाल क्या हुआ। बॉबी को, बॉबी एक सेकंड रुको, हॉस्पिटल में फोन करो, देखो इसे, मैं हॉस्पिटल में फोन कर रहा हूँ, एम्बुलेंस के लिए। मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहीं है ऊपर, कुशाल फोन बंद करके, मैं फोन फोन। बॉबी, बॉबी, बॉबी होल्ड ऑन, बेबी बेबी होल्ड, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी अभी आई मम्मा, कोई है? बॉबी, बॉबी, बॉबी मेरी बात सुनो, बॉबी, बॉबी प्लीज, बॉबी बच्चे, वेक अप बेबी, वेक अप बॉबी, बॉबी मम्मा मम्मा देखो देखो कुछ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बॉबी, कुशाल, कुशाल, प्लीज, माय सन, बॉबी, मेरे बच्चे का बच्चा, कुशाल, बॉबी, बॉबी, बॉबी कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुशाल इसको देखो ना प्लीज, बॉबी को देखो, बॉबी, बॉबी को कुछ हो गया, टेक हिम टू द हॉस्पिटल प्लीज, टेक हिम टू द हॉस्पिटल प्लीज। I want to call you my dad.
डिजर्व ही नहीं करते। अपने मेरा विश्वास तोड़ा था। हद से फादर और डॉटर का ये रिश्ता खत्म हो चुका है। आई हेट यू डैड, आई जस्ट हेट यू। त्रिशा प्लीज रोना बंद करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। बेटा शायद इतनी बड़ी बात मुझे तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन आई न्यू ये बात जानकर तुम्हें कितना दर्द होगा। एंड देन योर हेल्थ। इतनी वीक नहीं हूँ मॉम, मुझे पहले से ही पता था पापा और नेहा के अफेयर के बारे में। पर आप क्यों चुप रही, आप क्यों टॉलरेट करती रही, आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? मुझे इस बात का है मम्मा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाएंगी, तो फिर आपने क्यों मुझसे ये बात छिपाई? त्रिशा अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें इस बात का पहले से पता था, एक महीने पहले से, और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसके पीछे एक रीजन था ना, क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र थी। मैंने भी उसी फिक्र की वजह से तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। पर मम्मा वो बात अलग थी। नहीं त्रिशा, वो बात अलग नहीं है, बिल्कुल वही बात है। जैसे तुम मुझे दर्द नहीं देना चाहती थी और इसलिए तुमने यह बात छुपाई, वैसे ही मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहती थी बेटा। आई न्यू दिस वुड हर्ट यू। पर मम्मा। नो त्रिशा, बस बस त्रिशा, अब इस बात को हम यही खत्म कर दें। आज हम साथ में है ना, तू मेरे साथ में है ना बेटा, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। Really? कबीर का फोन इस वक्त। हेलो कबीर, आपको एक खबर देनी थी। बोलो। वो बॉबी। बॉबी क्या? बॉबी कुशान के हाथों मारा गया। क्या?